अरे ओमी, चंदन तिलक का क्या हुआ? पहले उसकी तैयारी हो रही है, हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करना। भैया, कितनी सुंदर ब्यूटीफुल खूबसूरत रंगोली बनाई है। सच आई? हाँ, देवी ने आई। मेरी रंगोली करिश्मा देवी अच्छी, अभी और अच्छे बनाऊंगी। अरे दोनों की रंगोली बहुत अच्छी है। थैंक यू काकू। दाड़ो सुट्टो। दाड़ो सुट्टो। विराट, सब ठीक तो है? ऐसे खोए खोए से क्यों लग रहे हो? नहीं बाबा, सब ठीक है। ऐसा लग तो नहीं रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये अरेंजमेंट्स देख रहा था मैं। अरेंजमेंट्स तो बढ़िया होने ही हैं, तुम्हें तो पता है सवार्ण निवास का गणेश उत्सव खास होता है। इस साल तो और भी खास होने वाला है। गणपति बाप्पा ने हमारी प्रार्थना सुन ली, सम्राट को वापस जो भेज दिया है ना। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। सनी तो आ गया। विराट बुलाए और सनी ना, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे अच्छा है, पापा ने इस घर में आने से पहले ही इस घर को आशीर्वाद दे दिया। भाई देख, जब से सम्राट आया है परिवार की खुशियां दुगनी हो गई हैं। अब लग रही है ना फैमिली, द कंप्लीट फैमिली। अभी कहाँ कंप्लीट हो सनी, अभी पुलकित और हरिणी तो आई नहीं है। अरे हाँ ताई, वो तो यही है। यही है? कहाँ है? कहाँ है? आपके दिल में। अच्छा। ओ वाह करिश्मा, आपने तो बहुत सुंदर बनाया है। ये आपने मोहित भैया से सीखा होगा। उनसे ज्यादा क्रिएटिव माइंड और किसका है हमारे घर में। दाड़ो सुट्टो। सही भाभी, आपने मोहित को इतना ज्यादा एनकरेज कर दिया है कि वो दिन भर मुझे यही सिखाता रहता है। खुद की स्तुति, प्रशंसा, एप्रिसिएशन हो गया हो तो आगे का काम भी करें। पटकन जा और गार्डन में से ना दुर्वा और जासवन के फूल तोड़ के ला। जी आई, अभी लेकर आई। अगर करिश्मा ने गार्डन में मेरे बैग्स देख लिए तो क्या करे? करिश्मा ये लो, वहाँ देखो ना, वहाँ पे कितने सारे फूल हैं, कितने सुंदर सुंदर। काकू ना इम्प्रेस हो जाएंगी आपसे, खुश हो जाएंगी एकदम। दाड़ी सुट्टो। सही, फूल के बाने थे तूने ऐसे ही फूल बना दिया। हल्के हल्के। अरे वाह, आज तुम दोनों एक साथ एकदम राम सीता की जोड़ी लग रहे हो। आज हम सब ढेर सारी खुशियां मनाएंगे क्योंकि एक साल के बाद हमारे घर में इतनी खुशियां आई। पापा, आपकी वजह से तो मेरा सम्राट मुझे वापस मिला है। बस ऐसे ही आपकी कृपा हमारे पर बनाए रखना। आइए हम सब पूजा शुरू करते हैं। ये गणपति पापा को अर्पित कर दीजिए।
आइए अब हम आरती शुरू करते हैं। आज निनाद मामा हम सब के लिए गाना गाएंगे। अरे हाँ, गुड आइडिया। आज एक बार फिर से आप सबको निनाद मामा की आवाज का जादू देखने को नहीं सुनने को मिलेगा। देखिए मामा, आज तो आपको आरती गानी पड़ेगी। जब पिछली बार आपने गाया था तब मैं यहाँ नहीं था। अरे आज आपको मेरे लिए आरती गानी पड़ेगी। अरे अभी नहीं, अभी क्यों ना, सही तुम बोलो ना, गाने के मामले में नीना तुम्हारी बात नहीं डालेंगे कभी। अरे गा दीजिए ना बाबा। चलो बोलो गणपति बाप्पा मोरया, सुंदर मूर्ति मोरया। सही बेटा, ये आरती सबको दिखा दीजिए। शायद आज आखिरी बार मैं आप सब लोगों से आशीर्वाद ले रही हूँ। आज के बाद मैं आप में से किसी को नहीं मिलूंगी।